Hello friends, welcome back to my channel and thank you so much. Keep this watching my videos. So guys, आज आप लोगों को है करवा चौथ और करवा चौथ की मैं अपने सारे फ्रेंड्स को हैप्पी करवा चौथ कहना चाहती हूँ. आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो. और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो. आज के मेरे टॉपिक में बताऊंगी, हाल ही मेरे को आज क्लाइंट आए मेरे से पूछा कि उनके मतलब आईब्रो पूरी ऐसे पतली हो गई है, उड़ी हुई है, तो उसको ना वापस कैसे ठीक करना है. तो मैंने उनको जो ट्रीटमेंट बताया उससे एकदम उनके रिजल्ट आया. और जब उन्होंने आज थ्रेडिंग करवाई मेरे से तो बहुत थैंक यू बोल रहे थे कि अम्मी बहुत अच्छी बनी है थ्रेडिंग, मेरी आईब्रो मोटी मोटी हो गई है. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये वाले टॉपिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दूं. तो आज मैं बताऊंगी कि आईब्रो अगर पतली हो गई है तो उसको वापस कैसे मोटा करना है, या फिर जिनकी आईब्रो नहीं आ रही है तो उसकी ग्रोथ लाना कैसे करनी है हमें. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो. सो गाइस, जिनकी आईब्रो एकदम पतली हो गई है या आईब्रो में बाल नहीं आ रहे ना, तो आपको दो चीज़ें लगानी है. एक तो ऑनियन रस लगाना है और एक हमें ये एलोवेरा जेल लगानी है. ठीक है गाइस, अगर आपके पास एलोवेरा जेल अवेलेबल नहीं है तो जो एलोवेरा हम लोग घर में उगाते हैं एलोवेरा, वो रोजाना रब करो. मतलब सुबह की टाइम, नाइट में हो चाहे मॉर्निंग में हो, आपको जब आपको टाइम मिले आप एलोवेरा जेल को मसाज करो अच्छे से आईब्रोज पे. और ऑनियन का रस गाइस बहुत ज़्यादा बेटर रहता है. आप अगर कोई क्लाइंट बोल सकता है कि मेरे को उसकी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, मेरे से सहन नहीं होती, तो आप ज़्यादा नहीं तो गाइस 10 मिनट अगर आपने अच्छे से ऑनियन की मसाज कर ली ना, आईब्रो में मसाज कर लो और 10-15 मिनट आईब्रोज के अंदर उसको रहने दो, उसके बाद में आप वापस वॉश कर लो. अगर आपने दिन में दो बार या तीन बार ऑनियन का मतलब कच्चा रस लेना है, पका हुआ रस नहीं लेना है, ऑनियन का तेल भी नहीं लेना है, सिर्फ ऑनियन का कच्चा रस लेना है, उसको आप अच्छे से मसाज करो. उस पर जितना मसाज करोगे ना तो आपको एक महीने के अंदर अंदर आपको खुद को फील होने लग जाएगा, बालों के अंदर ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगी और आपके आईब्रो में अच्छी सी साइन आ जाएगी. तो आज के वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन. तब तक के लिए बाय बाय. और एक बार आपको फिर मैं कहना चाहती हूँ हैप्पी करवा चौथ. थैंक यू, बाय बाय.